आज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोनेस। क्या निकाल रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोनेस, और कार्ल पियर्सन मेथड से करेंगे। कार्ल पियर्सन मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड का फॉर्मूला होता है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस को एसके बोलते हैं, पियर्सन छोटा सा पी बोल लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड अपॉन में एसडी। एक क्वेश्चन है, ज़रा देखो, क्लासेस कंटिन्यू सीरीज है एफ आई, क्लासेस क्लासेस 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, एफ आई 18, 20, 30, 22, 10। ठीक है, सबसे पहले इसका मिड वैल्यू निकालो, मतलब एक्स आई निकालो। मिड वैल्यू क्या आएगा? 15, 25, 35, 45, 55 आ गया। अब इसे ना स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं। पहले डी एक्स निकालो। डी एक्स कैसे निकलेगा? एक्स में से ए माइनस करो और आई से डिवाइड करो। अब मैं ए मान लो, एज्यूम में मान लो, इसे मान लेते हैं हम एज्यूम में। हमने ए मान लिया 35, और आई है हमारे पास 10-10 का गैप है इसमें। तो इसके सामने 0 आएगा, माइनस 1 आएगा, माइनस 2 आएगा, 1, 2। इसको इसके अकॉर्डिंग सोल्व करो तो ये अपना वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे करिए ज़रा देखो, ये कैसे माइनस 2 आया है? 15 में से 35 घटाओ और आई से डिवाइड करो। आई है हमारा 10, 10 से डिवाइड करो तो माइनस 20 अपॉन 10, मतलब -2, इसलिए -2। सारी वैल्यूज तरह आ जाएंगी। अब dx का स्क्वायर करो, 4, 1, 0, 1, 4। अब एक बार f का dx से मल्टीप्लाई करो और एक बार f का dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, मतलब फ्रीक्वेंसी का dx से मल्टीप्लाई। यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस के 36, यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा -20 आएगा, ये -20, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 22 और यहाँ पर हो जाएगा 20। ठीक है, एक बार आप स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इसका, यहाँ पर आएगा प्लस का 76, 20 का 1 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 22 का 1 से करेंगे 22 आएगा और 10 का 4 से करेंगे 40 आएगा। ठीक है, ज़रा इनका टोटल करो, इसका टोटल करो, इसका टोटल करो और एफ आई का टोटल करो और सारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी हमारी। ये -14 आ रहा है और ये कितना आएगा, ऐसा करो टोटल ज़रा, 6, 2, 8, एन की वैल्यू आ गई हमारी 100, ये आ रहा है 6, 2, 8, 15, 150। ठीक है, अब पहले मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला होगा, स्टेप डेविएशन मेथड है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी एक्स अपॉन एन इंटू में आई। ए की वैल्यू हमने क्या मानी थी? 35। एफ आई डी एक्स की वैल्यू देखो, ये एफ आई डी एक्स की वैल्यू -14, एन की वैल्यू है हमारी 100 और आई की वैल्यू हमारी 10, इससे 0 गया 35। 14 को 10 से डिवाइड करोगे, माइनस का 1.4, तो ये आ गया 33.6 हमारा आ गया मीन। मीन आ गया, अब मोड निकालते हैं। फिर देखो मोड कैसे निकलेगा। मोड निकालने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। देखो सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी देखो, ज़रा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखो, इसे मानना है F1, इसके ऊपर F0, इसके नीचे F2 और F1 के सामने वाले आगे को L1। सारी वैल्यू फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, 30 प्लस F1 F1 30 है, माइनस F0 20 अपॉन 2F1, मतलब 30 को 2 से इंटू करो, 60 माइनस F0 फिर 20 माइनस F2 की वैल्यू 22,
और इनटू में आई, आई की वैल्यू एन के बीच का डिग गया, फिर से टेन है। यहाँ पे 20 30 में से 20 गए कितने, 10। यहाँ पे 60 में से 20 गए 40, और 40 में से 22 गए 18 आ रहा है ये, और इनटू में 10। मल्टीप्लाई करो 10 का 10 से, ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, 100 बाई 18। 18 को 100 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 5.55, तो ये आ गया 35.55। ये हमारा मोड आ गया, मोड भी आ गया। अब निकालते हैं एस डी, एस डी का फॉर्मूला भी स्टेप डेविएशन होगा। फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ आई डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, और बाहर में इनटू में है आई, रूट के बाहर है। एफ आई डी एक्स स्क्वायर, एफ आई डी एक्स का स्क्वायर 158, एन की वैल्यू ये एन है, एन की वैल्यू 100 माइनस एफ आई डी एक्स मतलब माइनस के 14 अपॉन में 100 का स्क्वायर करो, और बाहर एन टू में है 10 आई की वैल्यू, इनके बीच का गैप जो था 10, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.58, इसको डिवाइड करेंगे आएगा 0.14 का स्क्वायर करना है, और आगे माइनस भी है बट माइनस का स्क्वायर जो है प्लस हो जाएगा। 1.58 माइनस 14 का स्क्वायर करोगे 0.0196 आ गया ये, इन टू में 10 इसमें से माइनस करो तो हमारा एस डी आ रहा है 1.58 में से माइनस कर रहे हैं, 1.58 में माइनस कर रहे हैं 0.0196 और बाहर 10 है, तो ये माइनस करके आ रहा है हमारा 1.5604 इंटू 10। इसका रूट निकाल दो, रूट निकाल लें 1.249 इंटू 10, तो ये आ गया 12.49 हमारा एस डी आ गया। अब इसका स्क्यूनेस निकाल देते हैं, स्क्यूनेस पियर्सन का फॉर्मूला क्या था, मीन माइनस मोड अपॉन में एस डी। मीन की वैल्यू आई थी हमारी 33.6, मोड की वैल्यू आई है 35.55, और एस डी की वैल्यू आई है 12.49। इसको इसमें से माइनस करो, नेगेटिव आएगा 195 अपॉन में 12.49, इसको डिवाइड कर दो माइनस का 0.156 आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। इसको नेस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है।